की बदलाव टीम ने बच्चों की एजुकेशन के लिए जो कदम उठाया है वो सराहनीय है। बच्चों से बेनती करता हूं कि एक बार बदलाव टीम के बारे में जोरदार तालियां होनी चाहिए। बदलाव टीम का जो काम है वो है अंधविश्वास से निकालकर वैज्ञानिक सोच बनाना। वो वैज्ञानिक सोच कहां से बनेगी? वो बनेगी लाइब्रेरी खुलने से, पढ़ने से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन नगर समाज के लोग मंदिर का दरवाजा छोड़कर पुस्तकालय की ओर चले जाएंगे उस दिन मैं ये समझूंगा कि हमारा समाज उनकी ओर तरक्की कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन के लिए, एजुकेशन दिलाने के लिए अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी दी। किसके लिए? कि जो समाज आने वाले जो पीढ़ी है वो इन अंधविश्वास में ना जाके उसकी वैज्ञानिक सोच बने। और ये जो बदलाव टीम है, बदलाव टीम का भी यही काम है कि जो बच्चे हैं वो अंधविश्वास में ना जाकर, पूजा में, पाठ में ना जाकर वैज्ञानिक सोच बने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। इन तीन नारों के बीच में ही हमारे समाज का निर्माण होता है और इस निर्माण से ही हमारे समाज की जो नींव है वो मजबूत होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नौजवानों को शिक्षा के रूप प्रेरित किया। शिक्षा के रूप प्रेरित करने के बाद आज हमारे एमएलए एमपी संसद तक पहुंच चुके हैं। वो किसकी बदौलत है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन होने के बाद, शिक्षा ग्रहण की, ग्रहण करने के बाद वो संसद तक पहुंचे हैं। और मैं मातृशक्ति का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि अगर कोई और सत्संग होता या कोई शिवजी का प्रोग्राम होता या कोई गणेश का प्रोग्राम होता तो लाइन लग जाती, लेकिन बदलाव टीम की तरफ से जो शिक्षा की तरफ मेरी माता बहने आ जाई हुए, इनके बारे में भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्योंकि नारी ही जो शक्ति है, अगर वो शिक्षा के रूप होती है तो वो अपने परिवार को शिक्षा की ओर लेकर जाएगी। बच्चे उसकी माँ के पास खेलते हैं, बड़े होते हैं, माँ उसको पालती है, परोसती है। इसीलिए माँ का भी फर्ज है कि अपने बच्चे को वो शिक्षा की ओर प्रेरित करे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा की ओर प्रेरित करने के बाद बाबा साहब ने सोचा था उस टाइम के अंदर कि क्यों ना जैसे मैं फोर कंट्री से पढ़कर आया हूं, ऐसे ही मेरे समाज के जो नौजवान साथी हैं उनको मैं वजीफा देकर फोर कंट्री में पढ़ने के लिए भेजूं। लेकिन वो जो नौजवान साथी गए थे वो पढ़ने के लिए फोर कंट्री में, लेकिन हुआ क्या, शिक्षा ग्रहण की और वो फोर कंट्री के अंदर ही रह गए। बाबा साहब ने सोचा था कि वो बाहर से पढ़कर आएंगे, मेरे समाज को शिक्षा देंगे, मेरा समाज मजबूत होगा। ये उस वक्त की बातें हैं जब बाबा साहब को बहुत दुख हुआ था। लेकिन आज हमारे नौजवान साथी हैं, जैसे आज बदलाव टीम हमारे बीच में आई हुई है, इनकी सोच बदली है, दिशा बदली है। जैसे इनकी सोच और दिशा बदली है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि हुई है, विज्ञान की तरफ प्रेरित हुई है, इसी तरह आने वाली पीढ़ी भी शिक्षा को ग्रहण करेगी और उनकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा को ग्रहण करके विज्ञान की तरफ जाएगी। किसी भी चीज पर, किसी भी गणेश पर, किसी भी शिवजी पर बिल्कुल भी अंधविश्वास ना करो जब तक उस पर तर्क वितर्क ना हो। किसी के कहने पर विश्वास ना करो, अपने दिमाग से, अपने चेतन से सोचें, सोचने के बाद, परखने के बाद फिर विश्वास करें। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए
अपने विचारों को यहीं पर विराम देता हूं। मैं पुनः बदलाव टीम का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और एक बेनती करता हूं कि नौवे महीने के अंदर मेरी माता बहनों से और बुजुर्गों से बदलाव सिंह से और संत महात्माओं से बेनती है कि आने वाले नौवे महीने के अंदर हमारे समाज में कोई भी गरीब लड़की हो उसकी शादी का बंदोबस्त किया जाएगा। 11,000 रुपए कन्यादान और जो उसका दूध का सामान होगा वो उसको दिया जाएगा। अगर किसी की सोच बनती है शादी करवाने के लिए तो लड़के की जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए और अगर कोई करने का इच्छुक है तो एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ट्रस्ट गांव खेड़े गुलाम अली की जो प्रेजिडेंट है या कैशियर है उनसे एक बार संपर्क करें।